हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। मीरा, राधा और जया तीन गरीब बहुएं, एक संयुक्त परिवार। तीनों के दो दो बच्चे। अब परिवार एक है तो रसोई भी एक है, इसलिए बर्तन तो खड़कने की आवाज आएगी ही। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ज्यादा पर कमाई कम, इसलिए तीनों बहुओं में आपस में कहासुनी होने लगी। माँ जी, ये बात गलत है। राधा और जया भी तो बता सकती थी ना कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, मैं ही इस बात की जिम्मेदारी क्यों लूँ? इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म भी हो गया? अरे, अभी 15 दिन पहले ही तो लगाया था नया सिलेंडर। माँ जी, आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पूरा सिलेंडर खत्म कर दिया। बड़ी भाभी के घर से बीच में कुछ लोग आए थे, तभी पूरी और सब्जी ज्यादा बनी थी। मैंने तो कितनी बार बोला है कि तला हुआ बनाने से गैस ज्यादा लगती है। देखो जया, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारे भी मायके से कुछ दिन पहले लोग आए थे, तब तुमने भी तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। मैंने तो कुछ नहीं बोला था। अरे बस भी करो, अब आपस में तीनों लड़ती रहोगी क्या? थोड़ा ध्यान से खर्च करो, मैं तो बस यही बोल रही हूँ। इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, तुम्हें पता है तीनों का काम अभी सही से नहीं चल रहा। दुकान का किराया भी भरते हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे? तुम तीनों के बच्चों की फीस भी है और ऊपर के खर्चे भी। सास उर्मिला अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों बहुएं दौड़ते हुए उसके पास गई। क्या हुआ माँजी? माँजी का कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया? आज आपने बीपी की दवाई ली माँजी? वो मेरी दवाई खत्म हो गई थी तो 2 दिन से ली नहीं। ओहो, तो आपने अभी बताया क्यों नहीं? मैं बाजार से मंगवा देती या खुद ले आती। राधा और जया दौड़ कर पड़ोस के मेडिकल स्टोर पर जाती हैं और एक ब्लड प्रेशर की दवाई का पत्ता खरीद कर ले आती हैं। दवाई लेकर कुछ देर बाद उर्मिला का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो सबकी चिंता दूर हो जाती है। माँ जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाई खत्म हो गई है? हम ऐसी नौबत आने ही ना देते। अब वो मैंने सोचा मेरी दवाई का पत्ता हर हफ्ते खत्म हो जाता है, पहले इतने खर्चे। माँ जी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? क्या हुआ अगर हम गरीब है? लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी पैसे तो नहीं ना? आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ माँ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी दवाई आने से खर्चा होता है। बाकी और भी तो खर्चे हो रहे हैं ना, फिर आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? आज के बाद आपकी दवाई का ध्यान हम तीनों रखेंगे। जैसे ही खत्म होने लगेगी हम पहले ही लाकर रख देंगे। जया ठीक कह रही है माँ जी, आप अपना पूरा ध्यान रखा करो, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला की तीनों बहुएं भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, इसके लिए वो तीनों एक साथ बैठी और इस पर विचार करने लगी। राधा, जया, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अधिक पैसे कमा सके? भाभी, क्यों ना हम एक बुटीक का व्यवसाय शुरू करें? सिलाई बुनाई कढ़ाई तो हम तीनों को आती है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बुटीक खोलकर हम लोगों के डिजाइनर कपड़े सिल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी इस काम को किया जा रहा है। हमारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगा। हम बड़े बड़े शोरूम के लिए कपड़े तैयार करेंगे, शुरुआत भले ही छोटे से करेंगे। ये बहुत बढ़िया है। हम अपने कौशल का उपयोग करके एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं भाभी। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। ठीक है, फिर हम ये काम शुरू करते हैं। तीनों बहू मीरा, राधा और जया ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और काम की शुरुआत की। पर अब उन्हें अपने काम को चलाना था, इसके लिए वो तीनों खुद ही मॉडल बनी और उन्होंने अपने सिले हुए सूट पहने और मोबाइल फोन से फोटो खींचे और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अड़ोस पड़ोस की लेडीज ने जब उनके बनाए हुए सूट देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए और उनका काम चल गया। भाभी, कोई मिस्टर विक्रम है जो हमारे डिजाइनर कपड़े खरीदना चाहते हैं, उन्होंने हमारा नंबर सोशल मीडिया से लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जया, पर एक बार पहले बात कर लेते हैं। ठीक है भाभी, मैं बोल देती हूँ। तो विक्रम जो एक अमीर व्यापारी था और उनसे मीटिंग करने के लिए उनके घर आता है। आपका काम मुझे बहुत पसंद आया है, ये मेरी वाइफ है सुनैना, हम दोनों मिलकर एक शोरूम चलाते हैं। जी नमस्ते, आपके बारे में मुझे विक्रम ने बताया तो मुझे लगा कि हम आपके साथ एक बार काम करके देख लेते हैं। वैसे मैं थोक में ऑर्डर देना चाहूँगी, यदि काम बढ़िया हुआ तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो इंडिया के भी हैं और इंडिया के बाहर के भी हैं। धन्यवाद, हम वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम तीनों अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। आपने हमारे बनाए हुए कपड़े देख ही लिए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया काम मिले। और फिर विक्रम और उसकी पत्नी सुनैना कपड़ों की डील करके चले जाते हैं। बहुओं को काफी बड़ा ऑर्डर मिलता है। तीनों बहुत खुश थी कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा कर दिखाया। तुम तीनों कितनी मेहनती हो ये मैं देख रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल भी रखा करो,
खाने पीने की बिल्कुल भी लापरवाही रखना ठीक नहीं। माँ जी, मैं राधा और जया को यही समझाती हूँ कि पहले कुछ खाकर ही काम पर लगा करो, पर राधा तो फिर भी सुन लेती है। जया, तुम इस बात का ध्यान रखा करो, खाली पेट काम करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे भाभी, मैंने चाय बिस्किट ले लिया है, मैं सोच रही थी बस ये कुछ डिजाइन और पूरे कर लूं, फिर एक ही बार खा लूंगी। जया ने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जया बीमार पड़ जाती है, जिससे समय पर ऑर्डर पूरा करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ जाती है। जया, तुम आराम करो, हम काम संभाल लेंगे। तीनों बहुओं का प्यार देखकर उर्मिला बहुत खुश थी। फिर भी तीनों ने मिलकर खूब मेहनत से ऑर्डर ठीक समय पर पूरा कर दिया। उस ऑर्डर से उनकी बहुत कमाई हुई, धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। ये देखकर उन तीनों के पति और सास बहुत खुश थे। मीरा, तुम सबकी कड़ी मेहनत और एकता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सच भैया, इन तीनों ने तो कमाल कर दिया। कहाँ तुम तीनों आपस में इतना लड़ती थी, और आज तुम तीनों एकजुट होकर अपने व्यवसाय को इतना आगे ले जाओगी, ये देखकर सचमुच बहुत गर्व होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो तुम तीनों बहुएं इस घर में आई, जिन्होंने इस घर को स्वर्ग बना दिया। तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। आज उनके बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, रहने खाने की अच्छी सुविधाएं हो गई थी। सच ही तो है, हर इंसान बेहतर से बेहतर जिंदगी को जीना चाहता है, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। ए साहब, ए कुछ दे दो ना साहब, साहब भगवान आपका भला करेगा साहब। ओहो, सुबह सुबह तेरी मनहूस सूरत देख ली, अब क्या भला होगा मेरा? ले पकड़, भगवान के लिए पीछा छोड़ मेरा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से निकाले हुए 5 रुपए भीखू को पकड़ाए और वहाँ से तेजी के साथ निकल गया। और भीखू काफी देर तक उन 5 रुपयों को देखता रहा और फिर आसपास नजर घुमाते हुए सोचने लगा, 5 रुपए इसमें क्या आएगा? वो सामने पराठे वाला खड़ा है, उसके पास जाता हूँ। फिर भीखू अपनी जगह से उठा और सड़क के दूसरी तरफ खड़े ठेले पर गया। ठेले पर एक आदमी गरम गरम आलू के पराठे सेक रहा था, जिन्हें देखकर भीखू की भूख और भी बढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत पराठों पर टूट पड़े, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाले वो वहाँ खड़ा रहा। जब पराठे वाले की नजर उस पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा, यहाँ क्यों खड़ा? चल रास्ता छोड़, कहीं और जाके आता ना। चल भैया, मुझे पराठा खाना है। ये लो, मेरे पास पैसे भी हैं। ये तो बस 5 रुपए, इतने में नहीं मिलता है कुछ। एक पराठा पूरे 10 रुपए का, समझा? जा, जब पूरे पैसे हो तो बना जा। भैया, पर आधे पैसे तो है ना मेरे पास, तो आधा पराठा ही दे दो, बहुत भूख लगी है भैया। अच्छा, और फिर बचे हुए आधे पराठे का मैं क्या करूँगा? यहाँ कोई ग्राहक आधा पराठा नहीं खरीदता, समझा? तो भैया, फिर पूरा पराठा ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भीखू ने इतनी बेबसी से ये बात कही थी कि उस पराठे वाले को भीखू पर दया आ गई और उसने 5 रुपए लेकर उसे पूरा एक पराठा खाने के लिए दे दिया। बस भीखू को यही तो चाहिए था। भीखू ने सिर्फ आधा पराठा ही खाया और बचा हुआ पराठा अपने झोले में डालकर वहाँ से चल दिया। यही भीखू की जिंदगी थी, कभी कुछ खाने को मिल जाए तो उसे भगवान का चमत्कार मानकर वो खुश हो लेता था, और जब नहीं मिलता तो उसे भी भगवान की दी हुई सजा मानकर रह लेता। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। भीखू एक पैर से लाचार था और उसका एक हाथ भी जन्म से ही नहीं था। उसकी इस हालत को देखकर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता था। परिवार के नाम पर भी भीखू के पास कोई नहीं था, सिवाय कुछ उन बच्चों के जो उसी की तरह अपाहिज थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भीखू को जब कभी भीख में कुछ मिलता वो उसे उन बच्चों के साथ जरूर बांटता था। ले भाई राजू, ये तेरा, और मन्नू तू ये ले, और रीना ले तू भी ले। भैया, ये मन्नू का टुकड़ा मेरे टुकड़े से बड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, खाने देना उसे, और तू चिंता क्यों करता है? भगवान ने चाहा तो कल और कुछ मिल जाएगा, और क्या पता आज से ज्यादा ही मिल जाए। भीखू की बात सुनकर वो तीनों बच्चे मुस्कुरा दिए और फिर चैन की नींद सो गए। भीखू के जैसे ये बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन फिर भी अकेले नहीं थे। इनमें से जब कभी किसी को भी भीख मिलती तो उसे आपस में जरूर बांटते थे। बस इसी तरह इनकी जिंदगी चली जा रही थी। फिर एक दिन, साहब साहब भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब जो आपकी इच्छा हो साहब, पैसे, खाना, कपड़े, कुछ भी दे दो साहब, इस गरीब का भला हो जाएगा। अभी रुको, मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ।
इस आदमी का नाम राजेश था जो देखने से ही काफी अमीर लग रहा था। असल में राजेश शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उस वक्त अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसकी गाड़ी की खिड़की पर भीखू भीख मांगने के लिए आया तो बाकियों की तरह उसने भीखू को हड़काया नहीं बल्कि गाड़ी से बाहर आकर भीखू से बड़े ही सुलझे अंदाज में बोला, हाँ भाई तुम्हें मैं पैसे भी दे सकता हूँ, खाना भी खिला सकता हूँ और पहनने को कपड़े भी दे सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। लेकिन एक समस्या है। कैसी कैसी समस्या साहब? देखो भाई, मैं हूँ एक कारोबारी, जात से भी और काम से भी। तो मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि मैं कभी भी किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता, भीख भी नहीं। साहब, पर मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसे भीख थोड़े ही ना मांगता। वो तुम देखो। देखो भाई, मैं यहाँ अगले 5 मिनट तक खड़ा हूँ, तुम जो चाहो मेरे लिए ले आओ और बदले में मैं तुम्हें पैसे, खाना और पहनने को कपड़े भी दिला दूंगा। पर याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही हैं। राजेश के ऐसा कहते ही भीखू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एक गुलाब का पौधा नजर आया जो ढेर सारे लाल गुलाबों से भरा हुआ था। उस पौधे को देखकर भीखू को कुछ सूझा और वो अपनी बैसाखी के सहारे लगनाते हुए उस पौधे के पास गया। उसने अच्छे से देखभाल कर उस पौधे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर फूल तोड़ा और उसे लाकर राजेश को देते हुए बोला, लीजिए साहब, यही दे सकता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, ये वाकई बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर राजेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें भीखू के हाथों में रखते हुए बोला, मुझे लगता है इतने से तुम खाना और कपड़े दोनों खरीद सकते हो। जो अभी भीखू के साथ हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस दिन भीखू और तीनों बच्चों ने पहली बार छक्के खाया। बच्चे बहुत खुश थे लेकिन भीखू किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ भैया, खाओ ना। कुछ सोच रहा हूँ राजू, अब तू खाना खा। उस दिन जो कुछ हुआ उसने भीखू के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। असल में भीखू को पहली बार ये एहसास हुआ था कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा भी हासिल किया जा सकता है। अगले ही दिन सुबह सुबह भीखू एक सरकारी बगीचे में गया और उसने ढेर सारे फूल तोड़कर अपने झोले में रख लिए। फिर उन फूलों को लेकर वो उस चौराहे पर गया जहाँ हर रोज भीख मांगने के लिए खड़ा होता था। लेकिन इस बार उसने किसी से भीख नहीं मांगी बल्कि सबको आगे बढ़कर सुंदर फूल देने लगा। उसके ऐसा करने से लोग बड़े खुश हुए। जो लोग पहले उसे डांट कर झिड़क देते थे वो अब उसे देखकर खुश हो रहे थे और उसे कुछ न कुछ पैसे भी जरूर दे रहे थे। उस दिन भी भीखू और तीनों बच्चों ने पेट भर कर खाया। और फिर भैया, ये कमाल कैसे हो गया, इतना सारा खाना। भीखू के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब भीखू ने बच्चों को कह सुनाया। और फिर अगले दिन से ही भीखू के साथ साथ तीनों बच्चे भी अपने साथ ढेर सारे फूल तोड़ कर ले जाने लगे और लोगों को बांटने लगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि भीखू के साथ हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए। लेकिन फिर, अरे तुम तीनों इतने कम फूल क्यों लाए हो, इतने से क्या होगा? भैया, वो आज बगीचे के गार्ड ने हमें फूल तोड़ते देख लिया, डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ गया था। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हम। वो तो शुक्र करो कि इतने फूल तोड़कर पहले ही झोले में डाल लिए थे, लेकिन अब लगता है कि कल से उस बगीचे में नहीं जा पाएंगे, वो गार्ड हमें फूल नहीं तोड़ने देगा। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, कल का कल देखेंगे, फिलहाल आज तो काम पर चले। ये सच था, लोगों को फूल बांटकर उनसे भीख लेना अब भीखू और इन बच्चों का काम बन गया था। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। उस दिन जितने भी फूल थे उन्हें लेकर भीखू फिर से चौराहे पर गया। वो जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। भीखू उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया क्योंकि वो गाड़ी राजेश की थी। साहब साहब, ये लीजिए साहब, ये आपके लिए। शुक्रिया दोस्त। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा साहब? हाँ, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह ही कारोबारी हो गए हो। तुम्हारे बारे में सुना मैंने, यहाँ सब तुम्हारी ही बात करते हैं, तुम्हें फूलों वाला भिखारी कहकर बुलाते हैं और कई लोग तो तुम्हारा इंतजार भी करते हैं। लेकिन अभी भी बस एक दिक्कत है कि लोग तुम्हें अब भी भिखारी ही मानते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर राजेश ने फिर से भीखू के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही भीखू एक बार फिर सोच में पड़ गया। एक बार फिर राजेश ने भीखू को नई दिशा दी थी। राजेश से मिले पैसों को लेकर भीखू फौरन वापस अपनी झोपड़ी में गया जहाँ तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना ये मन्नू जिद कर रहा है कि आज पाव भाजी खाएगा।
और मैं बोल रहा हूँ कि आज छोले भटूरे खाते हैं ना। नहीं, खाने मैं लेकर आया हूँ, हम वही खाएंगे और अब से पैसे बचा कर रखेंगे। पर वो क्यों भैया, हमें पैसे बचा कर क्या करना है? फूल उगाने हैं। भिखू की कही बात को समझने में बच्चों को जरा भी देर नहीं लगी। उन सबके पास जितने भी पैसे थे उन सबसे उन्होंने ढेर सारे पौधे खरीदे और फिर उन्होंने हाईवे के किनारे की सरकारी जमीन में रोप दिया। फिर सभी मिलकर उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सभी पौधे सुंदर और रंग बिरंगे फूलों से भर गए। देखो भैया, अब कितने सारे फूल है हमारे पास, अब हम फिर से एक साथ भीख मांगने जा सकते हैं। नहीं, हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन भीख मांगने नहीं बल्कि कारोबार करने। क्या मतलब भैया? भीख मांगने से बेहतर है कि हम इन फूलों को बेचकर पैसे कमाएं और फिर जो पैसे मिले उनसे और पौधे लगाएं, फिर और ज्यादा कमाएं। आखिर कब तक भिखारी ही रहेंगे? क्यों, सही कहा ना मैंने? भीखू ने आज कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वाकई उन्हें जो भविष्य दिख रहा था वो एक भिखारी होने से कहीं बेहतर था। भीखू भी तैयार था फूलों वाले भिखारी से फूलों वाला कारोबारी बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।